हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सीपीयू शॉर्टिंग है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो लैपटॉप है इसमें रिस्टार्टिंग का प्रॉब्लम था एक्चुअली। तो यहाँ पर ये जो सीपीयू है ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो हमने अब इसके बोर्ड को निकाल दिया है। ये लैपटॉप है HP का G42 मॉडल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीपीयू शॉर्टिंग हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये वाला कॉइल, ये भी शॉर्ट है। और यहाँ पर ये जो सीपीयू के आसपास जितने भी हमें यहाँ पर कैपेसिटर दिख रहे हैं ये सब भी शॉर्ट हो रहे हैं। देख, ये सब भी शॉर्ट ही निकल रहे हैं। देख, और यहाँ पर ए वाला कॉयल भी हमें शॉर्ट दिखा रहा है। तो 3-5 का सेक्शन भी पूरा शॉर्ट हो गया। इसका जो कॉयल है ये दोनों कॉयल भी शॉर्ट बता रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि सीपीयू शॉर्ट है। अगर हम इस सीपीयू के पीछे वाले जो कैपेसिटर देखेंगे तो ये भी हमें शॉर्ट दिखाई देंगे। हम चेक करके बताते हैं आपको कि जो पीछे वाले जितने भी कैपेसिटर सीपीयू के ठीक पीछे लगे होते हैं ये सब भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख, ये सब कैपेसिटर शॉर्ट हैं। एक एक करके सब हम चेक, जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर दिख रहे हैं ये सब भी हमें शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, हम एक मरतबा सीपीयू को निकाल के चेक करेंगे क्या ये जो पहले जो शॉर्ट दिखा रहे थे अभी भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, हम चेक करेंगे। तो आप देखते हैं, मैं सीपीयू को निकाल रहा हूँ यहाँ से। ये है हमारा सीपीयू। अब हम क्या करेंगे, सीपीयू को निकाल देंगे। माइनस का रेट लेके ये सीपीयू शॉल्डर नहीं है तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। ये रहा सीपीयू। अब हम सीपीयू को पहले साइड में रख के हम क्या करेंगे, और एक मरतबा अब वही कैपेसिटर्स को चेक करेंगे जिसमें हमने शॉर्टिंग देखी थी। देखिए, अब हमें यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखाना है। देखो, ये इधर का एक पोर्ट तो ग्राउंड होता है, हम दूसरा पोर्ट देखेंगे। इधर का ग्राउंड है, इधर का भी शॉर्टिंग था पहले, अभी नहीं है। इस कॉइल पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉइल शॉर्ट दिखा रहा था, अभी ये कॉइल शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा सीपीयू है यही शॉर्ट था। हम पीछे के जो कैपेसिटर थे जो पहले शॉर्ट दिखा रहे थे इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं। रेड प्रॉप को मैंने यहाँ पर इस वाले पे यहाँ पर रख रहा हूँ। अब हम देखेंगे, ये देखिए वन साइड तो ग्राउंड होता है और एक साइड हमें देखेंगे। देखिए, जब सीपीयू मैंने इसमें से निकाल दिया अब यहाँ पर ये पूरे कैपेसिटर्स शॉर्ट नहीं बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारा सीपीयू शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है इस सीपीयू की हीटिंग की वजह से। ये बहुत ही रेयर केस है, ज़्यादातर सीपीयू शॉर्ट नहीं होते, मगर इस लैपटॉप की सीपीयू शॉर्ट है। अगर हम सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू के पीछे यहाँ पर भी छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हम इस कैपेसिटर को चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये सीपीयू शॉर्ट है या नहीं है। तो मैं अब इन कैपेसिटर को चेक करूँगा। अब हम ये जो छोटे कैपेसिटर हैं इसको चेक कर रहे हैं हमें। लेट मी जूम दिस। देखेंगे
कैपेसिटर शॉर्ट है। देख सकते हैं आप ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे मैक्सिमम कैपेसिटर्स के अंदर शॉर्ट होते हैं। इसका इंटरनली क्या होता है, ये जो सर्क्यूट होता है इसके अंदर ये शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए हमें जो कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्ट बताते हैं। और ये सीपीयू रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम है इस चिप के अंदर, इस चिप के अंदर ये जो चिप्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, तो इसके अंदर ही शॉर्ट होता है। इसकी वजह से हमें ये जो कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्ट बताते हैं। तो इसका सिर्फ एक सलूशन ये है कि हमें सीपीयू को रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इन कैपेसिटर्स का नहीं है बल्कि ये जो इंटरनल सर्किट होते हैं ये अंदर से शॉर्ट हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।